सभी भाइयों को जय श्री बोले, भैया को भी जय श्री बोले। मेरा नाम अमन पारिक है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैंने भैया के पास एक महीने का थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स किया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अधिक अच्छा रहा और फलदायी रहा। और इस कोर्स में मुझे काफ़ी अधिक अनुभव भी हुए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस दौरान मेरी काफ़ी अधिक, मतलब कम से कम मेरी 3 बार माला टूटी होगी इस समय काल में, 1 महीने के दौरान। और भैया ने उसका कारण भी बताया, जो मुझे पर्सनल था, मेरा कोई कारण है वो। और इसमें मेरा अनुभव ये रहा कि मुझे माता की कृपा भी प्राप्त हुई और इसमें मुझे माता के स्वप्न में दर्शन भी हुए। और इस समय काल में मेरे को भैया ने ये भी बताया, प्रैक्टिकल भी बताया कि कैसे शक्तियों से हम जुड़ सकते हैं, कैसे शक्तियों से पूछा ले सकते हैं। ऐसी गुप्त जानकारी थी जो, मतलब आज के युग में कोई बताता नहीं है, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता आजकल मेरे हिसाब से। तो मुझे तो बिल्कुल खबर तक नहीं थी कि ऐसा भी होता है। तो मुझे, मतलब मेरी बाधाओं के बीच में भी भैया ने मुझे कहा कि तुम कंटिन्यू करो और कंटिन्यू करते रहो बस इसमें। और मैंने भैया के कहे अनुसार कंटिन्यू करा, एक छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया उन्होंने और मेरा काफ़ी हद तक आज्ञा चक्कर भी जागृत हुआ, जिसमें मैंने भैया के प्रैक्टिकल में काफ़ी अधिक सही आंसर भी दिए, जो जो भैया ने पूछा लेने की मुझसे कोशिश करी तब। और इसमें काफ़ी अधिक सर भी दुखा, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें मेरा सर बहुत दुखता है थर्ड आई एक्टिवेशन में। अब देखो, मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी, भैया तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं आपने 2100 रुपये दे दिए, भैया ने कुछ जड़ी बूटी लिया ही और आपका आज्ञा चक्कर जागृत हो गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मतलब शॉर्टकट तो लाइफ में कभी अपनाना भी नहीं चाहिए और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी रास्ता अच्छा ज़रूर मिल सकता है और वो अच्छा रास्ता आपको भैया ही दिला सकते, भोले तंत्र चैनल के द्वारा। तो मैं भोले तंत्र चैनल से भैया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने, आपने इतना कष्ट किया, मतलब मैंने काफ़ी अधिक परेशान करा भैया को सवाल पूछ पूछ के, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और धन्यवाद कहना चाहता हूँ भैया।